चलिए नमस्कार जी दिस इज दीपक हेयर आइए गाइस और <coughs> आज मैंने बोला था विल बी डिस्कसिंग यू नो रिलेटेड टू वो कैबलरी ऑल दो देर आर फाइव क्वेश्चन फ्रॉम ग्रामर एज वेल सो ऑल आर फ्रॉम टी जी टी पी जी टी ए यू नो दे ऑल आर रिलेटेड टू यू नो दे आर एग्जाम्स ओके तो यार जिसका बैच प्रॉब्लम शो कर रहा है मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उनको अध्ययन मंत्रा को कॉल करना पड़ेगा या फिर देखिए मुझे पता नहीं क्यों लगता कि मैंने जब से परचेज करा कोई ऐसा इश्यू आया नहीं है है ना और मैं नहीं समझ पाता कि कई बार ये इशू क्यों आते हैं क्योंकि एक मिनट साउंड आ रहा है अच्छा बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है इज ऑडियो वीडियो क्लियर टू ऑल ऑफ यू एक बार बता दीजिए इज ऑडियो एंड वीडियो क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो दैट वी कैन स्टार्ट गुड मॉर्निंग है नमस्ते है गुड मॉर्निंग है नमस्ते है फॉर जीन गजाला साउंड आ रहा है अपना साउंड चेक करिए यहां पर साउंड दिखा रहा है बिल्कुल ऑल क्लियर आ गया है देखो ऑल क्लियर चलो यार आ जाते हैं शुरू कर देते हैं जल्दी से और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है क्या नहीं है और देखना शुरू करते हैं बहुत नींद आ रही है सो जाओ फिर जिसको नींद आ रही है वो सो जाओ फाइव थर्टी का उठा हुआ हूं मैं तो भाई अच्छा यू आर लुकिंग गॉर्जस अच्छा भाई ये ये कमेंट भी चाहिए क्या अच्छा चलो यार मर्क्यूरियल से शुरू करते हैं देर आर ट्वेंटी वर्ड्स और गाइज आज और देखो ये एक चीज और समझना ये मैंने नहीं बनाया यार है ना आप ऐसा मत सोचना कि ये वर्ड मैंने बनाए हैं यस yes, जो हम रेगुलर करते हैं उन्हीं में से ही कुछ निकल के आ जाते हैं राइट right? सो so ये ध्यान रखिएगा ओके सो नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस एंड लेट्स डू इट आई विल टेल यू सिनोनिम ऑफ दीज वर्ड एज वेल मैं आपको इनके सिनोनिम्स भी बताता चलूंगा साथ में गाइस ठीक है ना ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए मर्क्यूरियल मीन बाय मर्क्यूरियल मरकरी से बना है जैसे मरकरी का नहीं पता सुबह दस डिग्री है रात को बारह डिग्री है सुबह डिग्री है ये है ना सो so, अगर मैं बोलू मर्क्यूरियल इज समथिंग विच इज बेसिकली कॉल्ड एस यू नो मरकरी से बना हुआ राइट right? मर्क्यूरियल होता है अगर मैं बोलूं एक मिनट सॉरी इसको ले लेते हैं मर्क्यूरियल के सिनोनिम्स देखिए गाइस मर्क्यूरियल के सिनोनिम्स देखिए चलिए लिखिए सिनोनिम्स मेरे सामने I want all of you to write the synonyms as well. Okay. I want all of you to write the synonyms. Mercurial मतलब mutable. Corona virus is mutable. बहुत ही capricious है है ना बहुत ही capricious है बहुत ही whimsical है बहुत ही ज्यादा क्या है guys? Whimsical है ठीक है ना ये सारे synonyms लिख रहा हूं मैं इसके ल है एरेटिक है एरेटिक जिसके बिहेवियर का नहीं पता बहुत ज्यादा इंपल्सिव है ठीक है तो ये सारे सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं निम्बल है निम्बल एजाइल थोड़ा फुर्तीला टाइप में होता है ठीक है ना तो निम्बल एजाइल वो थोड़ा फुर्तीला में आ जाता है गाइस ठीक आर्बिट्रेरी वे वैटिक वेरी नाइस यार वेरी नाइस nice. fickle माइंडेड मतलब फिकल का स्पेलिंग गलत है प्रीति फिकल माइंडेड फिकल मतलब क्या होता है फिकल वर्ल्ड ऑफ फैशन वर्ल्ड ऑफ फैशन यार अब इतना कर लिया तो हो गई इंग्लिश बस अगर मैं आपको बोलूं आप इतना कर लेंगे गाइस तो मुझे लगता है इंग्लिश खत्म बस इतने पे तो पेपर आराम से निकल जाएंगे बस हाँ आपको यह पता होना चाहिए मरकरी मतलब जो मरकरी की तरह चेंज होता है इंपल्सिव है फिकल है ठीक है एंड यू कैन से दी म्यूटे कोरोना वायरस इज म्यूटेबल गेटिंग इट बेसिस इट इज़ इजिक्टेबल राइट सो डू यू कॉल दिस चेंजेबल ठीक है वट यू कॉल चेंजेबल और मैं आपको आज सिनोनिम्स बताता चलूंगा जितने भी हैं तो आज ये मान के चलिए हंड्रेड वर्ड्स तो सीख ही लेंगे हम इंग्लिश के ठीक है हंड्रेड वर्ड्स तो सीख लेंगे राइट म्यूटेबल कैप्रिशियस विम्सिकल एरेटिक फिकल एजाइल निम्बल एन नंबर ऑफ थिंग्स है ना एन नंबर ऑफ स्टाफ चलिए आ जाइए नेक्स्ट वन नेक्स्ट देखते हैं गाइस नेक्स्ट हमारे पास क्या है अच्छा ये डेट देख लेना मैंने नहीं इस दिन ये पेपर बनाया था ठीक है और इफ यू आर मैचिंग ऑल द वर्ड द वर्ड विच वी आर डूइंग ऑन रेगुलर बेसिंग दिस इज अगेन आई वुड से मजा आ जाएगा फिर ठीक है चलिए नेक्स्ट वन इज नार्सिसिज्म नार्सिसिज्म की तो आई हैव अबाउट मल्टीपल टाइम्स गाइस देर आर सम पीपल हु आर नार्सिसिस्ट एंड दे कीप ऑन टॉकिंग समीपल हुउट इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ नार्सिसिस्ट सो दैट नार्सिसिस्ट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ वेटेज ही विल बी टॉकिंग अबाउट ओके अगर मैं नार्सिसिस्ट हूं तो अब मैं बस पढ़ाता कमू कहूंगा गाइज तुम्हें पता है मैंने क्या करा लाइफ में मैंने ये कर दिया वो कर दिया वॉन वन हु एक्चुअली यू नो द इनसिक्योर्ड पीपल दैट द रीजन व्हाई दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट और आपको बता दू एक ये बीमारी है ठीक है नारसिसिज्म इज अ काइंड ऑफ अ डिजीज व्हेन यू कीप ऑन टेकिंग योर सेल्फीज ऑन रेगुलर फेसिस और अगर मैं बोलूं नार्सिसिजम का मतलब होता है खुद की ही प्रशंसा करते रहना अरे यार कितनी सेल्फी लोगे मेरे को अपना चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आता जब मैं सेल्फी लेता हूं तो आई हार्डली टेक एनी सेल्फी और कई लोग पता नहीं क्या क्या मुंह पाउट बना के ये करके वो करके और सबसे बड़ी बात है चलो लीजिए अपने फोन में रखिए वाई टू शेयर इट ऑन सोशल मीडिया है ना लोग लेके और सुबह मुंह भी नहीं धोया और आ जाते हैं लेके देखो कैंडिड पिक्स है ना तो वो नार्सिसिज्म होता है जब अपनी ही तारीफ बहुत अच्छी लगे अपना ही चेहरा बहुत अच्छा लगे मैं बार बार बोलता हूं टेकिंग मोर देन सिक्स सेल्फीज इन अ डे अगर आप सिक्स सेल्फीज से ज्यादा लेते हो यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज ओके इफ यू आर टेकिंग मोर देन सिक्स सेल्फी इन अ डे यू आर सफरिंग फ्रॉम नार्सिसिज्म पांच लेके छोड़ देना छठा लेना मत ठीक है रोज पांच सेल्फी लीजिए छोड़ दीजिए बचे रहेंगे इस रोग से ठीक है तो नैरसिसम व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट योर सेल्फ और अपना ही अरे ब... कितना यार पहले भी तो लोग सुंदर होते थे अब ज्यादा हो गए क्या वो कैमरे का कमाल है एक्चुअल में देखो अपने को किसी दिन है ना पता लग जाएगा भ्रम दूर हो जाएंगे सारे चलिए नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है इज यू नो इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ प्रेज राइट वही तो कह रहा हूं ना जरा एक बार लेकर देखो ना वो क्या कहते हैं टू मेगा पिक्सल कैमरा वन मेगा पिक्सल भ्रम दूर हो जाएंगे यस वैनिटीज़ वैनिटी इसका बहुत सिंपल इसका वो है वैनिटी वैनिटी मतलब जब खुद पर बहुत घमंड हो एरोगेंस हो तो गाइस इसको हम बोल सकते हैं सेल्फ लव नार्सिसिज्म इज कॉल्ड बेसिकली वेन यू आर ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट वेन यू आर ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट यार मुझे तो सच्ची बोल रहा हूं अपना चेहरा दिखता है मेरे को तो कोई बैठा ना सेल्फी मैं कहता हूं भाई रहने दे यार क्यों कैमरा खराब कर रहा है यार है ना आई डोंट लाइक टू टेक सेल्फीज एंड ऑल दैट मतलब मुझे ध्यान है शायद मैंने डेढ़ साल पहले सोशल मीडिया पे अपनी पिक डाली थी और उसके बाद आज तक तो नहीं डाली क्योंकि पता नहीं कैसे हिम्मत आ जाती है ले मेरी शेयर देख पिक अरे भाई इतने सुंदर कहां दिखती हो यार तो दिखते भी हो तो क्यों दिखा रहे हो लोगों को चलिए ओडिसी ओडिसी बताइए चलिए ओडिसी एक करेक्टर था गाइस होमर के इलियाड में जिसने वो ट्रोजन हॉर्स वाली सलाह दी थी अगर किसी को लिटरेचर पता है तो ओडिसी एक करेक्टर है और ओडिसी आपका बोलू तो एपिक भी है ठीक है ओडिसी इज एन एपिक ठीक है और अगर मैं बोलू ओडीसी एक एपिक है होमर ने ही लिखा है गाइस ठीक है और मेरे को लगता है इलियाड के बाद जो है और उसने लिखा है वो और लॉन्ग जर्नी मतलब ओडिसी को बहुत ट्रेवल करना पड़ा था गाइस है ना आई थिंक सो टेन इयर्स तो शायद उसको वो वॉर में ही लग गए थे ठीक है जो ट्रॉय का वॉर था जो एक्लिस और वो सब लोगों के लड़ा था और अगर मैं बात करूं यार सेल्फी लेने का तो टाइम है प्रेरणा मेरे पास है ना आप कह रहे हैं कि डोंट हैव एनफ टाइम सेल्फी लेने का तो टाइम है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट चलिए ओडिसी अगर मैं बात करूं ओडिसी इज समथिंग लाइक ही वॉज डेस्टाइंड फॉर द लॉन्ग जर्नी तो ओडिसी का करेक्टर है और उसी से वो एक नाम पड़ गया है ओडिसी इज रिलेटेड टू लॉन्ग जर्नी तो ओडिसी गाइज एक बहुत लंबी यात्रा के लिए बोला जाने वाला वर्ड है ठीक है और अगर ये किसी का लिटरेचर पार्ट है तो ही मस्ट बी अवेयर ऑफ दी ओडिसी करेक्टर जो कि होमर के इलियाड के अंदर आपको दिखेगा है ना So, उसको हम ओडिसी बोलते हैं यहां पर आंसर क्या आएगा लॉन्ग जर्नी यहां पर आंसर क्या आएगा गाइस लॉन्ग जर्नी चलिए अब अपना स्कोर काउंट करते रहना गाइस है ना और इफ यू कैन स्कोर इन माय क्लास आई एम रियली येस ओलिसिस बिल्कुल सही है शाइना सही बोला आपने बट मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो कई बार लोगों को समझ नहीं आता है ठीक है ना वॉयज बोलते हैं वॉयज एक यात्रा होती है बट ओडिसी जी ओडिसी जितनी लंबी होती है ना वॉयज बोल सकते हैं बिल्कुल है वॉयज बोल सकते हैं इसको ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं गाइस टिमोरस आर टिमोरस इसके सिनोनिम्स देखेंगे गाइस ठीक है विल सी द सिनोनिम इट इज नॉट कंपल्सरी टू टेक सेल्फी यस एंटायरली टू यू ठीक है ना एंटायरली टू यू भगवानों के साथ सेल्फी लेने लगे हैं यार लोग मतलब भगवान को तो छोड़ दो यार आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल टेकिंग सेल्फी गॉड एक बार स्माइल करना जरा अब गॉड के साथ फोटो खिंचा के स्माइल यार छोड़ दो उनको तो छोड़ दो अपने पर्सनल चक्रों में भगवान भगवान को तो छोड़ दो यार है ना डोंट टेक सेल्फी विद गॉड यू नो डोंट टेक सेल्फी विद यू नो यू आर डूइंग पूजा वूजा काइंड ऑफ स्टफ है ना अपना ले लो जितना मुंह दिखाना है दिखाओ किसी को भी चलिए टिमोरस का मतलब होता है द वन हु इज वेरी वेरी इसके मैं सिनोनिम लिखता हूं देखिए कुछ अगर जितने लिखता हूं मैं थोड़े से याद रह जाते हैं ना जैसे इसका सिनोनिम है पोल्ट्रून अब लोग कहेंगे याद कैसे होते हैं दो बार बोलिए याद होते हैं पोल्ट्रून टीमिड, ठीक है अगर मैं बोलू इसका बहुत प्यारा सिनोनिम है प्यूसी लैनिमस प्यूसी लैनिमस ओके दिस इज आल्सो कॉल्ड एस पॉल्ट्रून, इसको ये भी बोलते हैं दिस इज अ डास्टर्ड एक्ट जब हम बोलते ना दिस इज अ डास्टर्ड एक्ट डास्टर्ड मतलब कॉवर्ड एक्ट है ठीक है दिस इज अ डास्टर्ड एक्ट मीक भी बोल सकते हो सबमिसिव भी बोल सकते हो है ना बट मीक और सबमिसिव थोड़े से प्लाइंट होते हैं थोड़े से अगर मैं बोलूं तो कॉम्पलाइसेंट होते हैं ठीक है कॉम्प्लायसेंट होते हैं थोड़े से अगर मैं बोलूं तो आ, क्या नाम है उसको बोल सकते हो आप प्यूसिल एनिमस एक बहुत अच्छा वर्ड है पोल्ट्रून टिमोरस टिमेड प्यूसिल एनिमस डास्टर्ड ये सारे वर्ड होते हैं किसके लिए भीरू हिंदी में क्या बोलते हैं भीरु या डरपोक है ना सो so, हिंदी में यस अभिषेक आई गॉट योर मैसेज थैंक यू सो मच ठीक है चलिए टिमोरस एंड दी जिसको हिंदी में बोलते हैं टिमेड है ना डास्टर्ड फेलो ठीक है डास्टर्ड फेलो ठीक है ये ध्यान रखिएगा ओल्ट्रून टिमेड प्यूसी लैनिमस डास्टर्ड मीक यार मुझे याद होते हैं तो आपको भी होते हैं क्योंकि याद करने की पावर जो है वो ऐसा तो नहीं है कि आपकी और मेरी कम या ज्यादा है इफ आई कैन यू नो कीप इट इन माइंड कीप देम इन माइंड सो यू ऑल्सो कैन बस मैंने बोला ना एक इंटरेस्ट आपके अंदर आना चाहिए ठीक है आपके अंदर एक इंटरेस्ट आना चाहिए कि यार 2021 के बाद ना कम से कम देर इज वन इशू विच आई एम गोना गेट रेड ऑफ एंड दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज ओके तो आफ्टर 2021 आई विल नॉट बी फेसिंग अ अशू ऑफ ठीक है इंग्लिश लैंग्वेज इट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वोकैबलरी एंड अदर रिलेटेड स्टफ चलिए यहां पे आंसर आएगा टिमिट नेक्स्ट पे मूव करते हैं गाइस ये मैं बहुत बार बता चुका हूं अब देखो ये मैंने नहीं लाया टीजीटी 2001 में है ना आई वॉज नॉट टीचिंग इन टू थाउजेंड वन तो दिस वॉज गिवन बाय एल्स समल्स देर इज नो रोल फ्रॉम माई साइड टू गिव इंडीजेंट इन योर पेपर बट वी ऑल नो इंडीजेंट

बट दस साल में आप अपने करियर को वो शेप नहीं दे पाए कि आप गरीब से और गरीब अमीर में मैं नहीं कह रहा गरीब लोग बेकार है बट एवरीबडी वॉन्ट टू बी रिच नो बडी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इंडीजेंट सोसाइटी हम सब लोगों का एक ही पर्पज है गाइज टू कम आउट ऑफ दिस सोसाइटी एंड टू बी अ पार्ट ऑफ एफ्लुएंट सोसाइटी सो विच वन इज द इंडीजेंट सोसाइटी लाइए देखिए गाइस इंडीजेंट डेस्टिट्यूट ठीक है पॉपर पी ए यू पी ई आर इम पैक्यूनियस इम पैक्यूनियस राइट ये सारे वर्ड हैं गरीब के लिए ठीक है एंड नो बडी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ डेस्टिट्यूट सोसाइटी नो बडी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ सविता नेम का वेनिटी और इगोटिज्म होता है और ज्यादा सिनोनिम्स नहीं है ठीक है

और मैं प्रॉमिस करता हूं यस पॉवर्टी स्ट्रिकन बोल सकते हैं इम्पावरिश बोल सकते हो यस yes, इंपॉवरिश बोल सकते हो यू कैन कॉल दिस एज इम्पावरिश ठीक है ना और मेरे को यह पता है गाइस द मोमेंट वी राइट दीज वर्ड ना एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट स्टेज विद यू फिफ्टी परसेंट ऑफ वर्ड विल ऑलवेज बी विद यू बट वॉट यू नीड टू डू इज टू गिव दैट काइंड ऑफ एफर्ट ठीक है वॉट यू नीड टू डू इज टू गिव दैट काइंड ऑफ एफर्ट ठीक है चलिए रिच <coughs> के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम रिच के लिए हम यूज कर सकते हैं गाईज एफ्ल्युएंट एंड दूलेंट ठीक है एफ्लूएंट ऑप्यूलेंट वेल ऑफ है ना वेल टू डू वेल टू डू फैमिली से है ठीक है ना ब्लू ब्लड बॉन्डरेच होते हैं ब्लू ब्लड बॉन्डरेच होते हैं ठीक है ना ब्लू ब्लड बॉन्डरेच होते हैं अरिस्टोक्रेट बॉन्डरेच होते हैं ठीक है ना अरिस्टोक्रेट सोसाइटी अगर मैं बोलूं तो बहुत ही सॉलिड बंदे ठीक है तो ये सारे वर्ड्स भी हम याद कर सकते हैं यार कोई ने किसी ने कुछ मैसेज लिखा था आई एम इन स्कूल अब मुझे पढ़ नहीं पाया आई एम इन स्कूल के बाद आप क्या कह रहे थे ठीक है आई कुडन गेट यू चलिए गाइज यहां पर जो आंसर बना वो पुअर बना और बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर आज 20 में से काउंट कर लेना 20 प्रीवियस ईयर के जो वर्ड हैं उसमें से मेरा तैयारी कितना है टू विच एक्सटेंट ऑलरेडी नो द वैबलरी पार्ट और द रिलेटेड पार्ट चलिए इमिनेंट टीजीटी 2001 में आया था इमिनेंट और देखिए गाइज देर इज नो सपोर्ट फॉर यू ठीक है देर इज नो सपोर्ट फॉर यू देर इज नो पर्टिकुलर यू नो लाइन फॉर यू येस प्लूटोक्रैट बोल सकते हो वेरी नाइस वर्ड देवी ठीक है इमिनेंट क्या होता है गाइज मैंने बोला यार थर्ड वर्ल्ड वॉर इज इमिनेंट मैंने बोला थर्ड वर्ल्ड वॉर इज इमिनेंट ठीक है माई डेंजर ऑफ लूजिंग जॉब इज इमिनेंट कुछ भी बोल सकते मतलब anything. हो इमिनेंट मतलब एनीथिंग कोई वर्ड बताओ इमिनेंट का मतलब होता है इम्पेंडिंग इमिनेंट का मतलब क्या होता है इम्पेंडिंग थर्ड वर्ल्ड वॉर इज इमिनेंट थर्ड वर्ल्ड वॉर इज इमीनेंट यानी तीसरा विश्व युद्ध लग तो राय होने वाला है, है ना मैं बोलूंगा आर द वे यू आर गोइंग सक्सेस अ वेरी गुड करियर इज इमिनेंट ऑल दो इमिनेंट नेगेटिव सेंस में ज्यादा यूज होता है ठीक है सो so, इमिनेंट मतलब जो आगे होने वाला है और एक ईडियम बता रहा हूं वेरी वेरी नाइस ईडियम जैसे मैंने क्या बोला वर्ल्ड वॉर इज इमिनेंट है ना जैसे मैंने बोला केवीएस जॉब इज इन दी ऑफिंग केवीएस जॉब इज इन दी ऑफिंग सीटेट एग्जाम इज इन दी ऑफिंग यानी होने वाला गोइंग टू हैपन गोइंग टू हैपन ये बहुत अच्छा फ्रेज है गाइज इन दी ऑफिंग in the offing सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेज है इलेक्शन इज इन द ऑफिंग इलेक्शन इज इन द ऑफिंग यानी इलेक्शन होने वाले हैं तो क्या आंसर लगेगा गाइस नियर एट हैंड इसका क्या आंसर लगाएंगे गाइस नियर एट हैंड अराउंड द कॉर्नर इन द ऑफिंग याद रहना चाहिए अगली बार पूछूंगा मैं ठीक है सो इन द ऑफिंग सबको पता होना चाहिए जैसे मैंने क्या बोला इलेक्शन इज इन दी ऑफिंग योर एग्जाम इज इन ऑफिंग ठीक है ये सारी लाइन आपको याद होनी चाहिए ध्यान रखिएगा पक्का बोल रहा हूं 2021 के बाद आई विल सेट अप अ चैलेंज विद शशि थरूर टू ऑल ऑफ यू एंड देन विल सी की हु विन्स दी इलेक्शन लाइक विंस दैट चैलेंज है ना बहुत बड़ी बात नहीं है शशि थरूर को जो एक, एक बना रखा है कि यार ही इज दी ओनली वन हु नोज इंग्लिश लैंग्वेज आई डोंट बिलीव सो

देखो एक चीज और मैं बता दू वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज नॉट टू नॉट टू प्रूव टू समन वी लर्न द लैंग्वेज टू कन्वे इन हिंदी कौन आपको बोलेगा तुम इतनी अपनी आत्मश्लाघना क्यों कर रहे हो वृथा स्तुति क्यों कर रहे हो अरे आप तुम यही तो बोलोगे ना अपनी तारीफ क्यों कर रहा है आप ये बोलोगे किसी को आत्मश्लाघना क्यों कर रहा है वृथा स्तुति क्यों कर रहा है भाई है ना चलपत गामिनी कौन बोलता है चलपत गामिनी है ना रेलगाड़ी तो बोलेंगे तो इट मींस यूजिंग वेरी वेरी हाई लेवल वर्ड इज जस्ट अ वे टू फ्लॉन्ट यू योर स्किल्स डोंट डू दैट दीज आर दीज आर एनफ है ना दीज आर एनफ आई बिलीव ओके चलिए अगर मैं बोल रहा हूं यूथनेजिया यूथनेजिया होता है गाइज इट्स आई नो मर्सी किलिंग यूथनेजिया होता है लाइक इफ समन इज सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज इफ ही और शी ज सफरिंग फ्रॉम इज है ना इज फ्रॉम द इनक्योरेबल डिजीज एंड दर्सन वॉन्ट्स टू डाय इफ द पर्सन वॉन्ट्स टू डाय ठीक है तो वो एक उसको एक इजाजत मिलना कि भाई वो मर सकता है, है ना टू गिव रिलीज फ्रॉम दी एगनाइजिंग सफरिंग बिल्कुल सही बोल रहे हैं है ना तो इफ समन बिलीव लाइक की दैट नो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड दैट हैज टू बी वेरी वेरी पेनफुल ठीक है अगर मैं बोलू सफरिंग है और वो पेनफुल डेथ है तो व्हाई नॉट गिव द इंजेक्शन और पीसफुल डेथ सीन द केस ऑफ कैलकटाउड इन इंडिया इन सर्ट इन केज बिन अलाउड बाई द सुप्रीम कोर्ट ठीक है बट इंडिया में यह ज्यादा अलाउड नहीं है कि कोई भी अपने आप को मार ले मर्डर चार्ज लग जाएगा ठीक है ना तो यह ध्यान रखना तो इट इज कॉल्ड दी बेसिकली मर्सी किलिंग यूथनेजिया If someone wants, किसी पर दया आके उसको मार देना बट दैट टू विद्रूवल ऑफ कोर्ट ताकि तीन सो दो धारा ना लगे ठीक है यह ध्यान रखना असैसीनेशन होता है पॉलिटिकल किलिंग असैसीनेशन होता है गाइज पॉलिटिकल किलिंग इंदिरा गांधी वॉज असैसीनेटेड राजीव गांधी वॉज असैसीनेटेड वो मर्डर नहीं कहलाएंगे वो असैसीनेशन कहलाएंगे ठीक है ये ध्यान रखना, रखना। चलिए एट्रॉसिटी होता है ये इट्स अलाउड इन न्यूजीलैंड यस अग्री सरिता बिल्कुल अग्री इट्स अलाउड इन न्यूजीलैंड चलिए वी हैव टू बी वेरी क्विक टू फिनिश दूडे प्लाजरिज्म होता है क्या वट यू मीन बाज्म देर लॉड ऑफ पीपल हुन देर सबिंग देर थीसिस ठीक है प्लाजरिज्म किसी का गाना चुरा के अपने नाम से लिख देना किसी की कोई राइटिंग देखिए प्लाजरिज्म तो करता है बॉलीवुड ना उधर मूवी बनती है साउथ में यहां पर भी बना देते हैं उधर बनती है यहां भी बना देते हैं सो दे डू द्लाजरिज्म प्लेजरिज्म होता है जब आप किसी के नॉलेज की चोरी करो ठीक है शिवानी मैसेकर होता है किसी को मैस किलिंग करना मैसेकर इज नॉट द किलिंग ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन मैसेकर इज द यू नो किलिंग ऑफ अ ग्रुप चलिए ये होता है लिट्ररी थेफ्ट लिट्ररी थेफ्ट का मतलब किसी के नॉलेज की चोरी ठीक है किसी की नॉलेज की चोरी दैट इज कॉल्ड बेसिकली योर कॉल थेफ्ट है ना गाना चुराना ये करना इंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन प्लेजरिज्म न्यू थॉट्स तो होते ही नहीं आजकल तो सिर्फ साउथ की मूवी उठाओ बना दो ठीक है हो, हो गया काम चलिए लगाइए इसमें अगर मैं बोलूंगा आईस तो यहां पर प्लाजरिज्म का आंसर क्या है लिटररी थे चलिए बनाइए नेक्स्ट वन अब इसका प्रनाउंसिएशन देख लेना एबटवॉर एब ठीक है रितिक प्लेजराइज योर डांस अच्छा रितिक प्लेजराइज माय डांस डू डूर डू आई डांस आई डोंट बिलीव सो आई इवन नो मतलब वर्ल्ड बेस्ट डांसर आई बिलीव इज रितिक रोशन देर इज नो डाउट अबाउट इट राइट चलिए द रेजिडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी मूव टू सेटअप एंड एबेटवॉर इन देयर कैंपस प्रोनउंसियशन देख लेना एबेटवॉर इसको बहुत गलत बोलते हैं लोग एबाइट बहुत अलग अलग तरीके से यू नो गो थ्रू विदियशन राइट सो वॉट इज दाइट प्रोनाशियेशन दबेटवॉर एबेटवॉर होता है गाइस क्या एबेटवार होता है एक स्लॉटर हाउस जिसको हम बोलते हैं कसाई खाना बुचर हाउस ठीक है एबेटवार क्या होता है गाइस बुचर हाउस कसाई खाना ठीक है और उसको बोल सकते हैं आई टोल्ड ऑन माई बर्थडे ओहो चलिए तो यहां पर आगे आइए एबेटवार राइट right. मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ डिफिडेंस वट यू मीन बाय डिफिडेंस डिफिडेंस का क्या मतलब है गाइस यस इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू बिलीव ऑन यू एंड देर इज अ ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंट Diffident, and I'm really really surprised. Most of the people are diffident on their skills. When I ask people that you have to speak in English, they are quite diffident, means they are quite you know like the skeptical about their skills. This also can be called as the skeptical about your skills. So, if you are diffident about your skills or you are skeptical about something, it means you do not believe in yourself. Aapko lagta hai yaar, i can commit lot of mistake you are lacking some self confidence guys deko i am not saying i am the master of english language but i strive hard to uh, understand the language or since beginning i have never been afraid of speaking english language I, it doesn't matter where i am standing where i am you know like i am in front of the hundred people one people I am in front of anyone, but I am not having the diffident, I am not diffident about my speaking skills. I am not skeptical about it. I am the one who speaks very good English, but I try my level best to convey my idea in the best possible way. Or I strongly believe if you can convey your idea to other people and they understand you, you are speaking. Okay, doesn't matter, you are speaking right or wrong. राइट और रॉन्ग का डिफरेंस जो है ना गाइज दैट इज वन विच इज किलिंग यू ओके डजेंट मैटर राइट और रॉन्ग इफ यू कैन कन्वे योर मैसेज टू अदर पीपल इट मीन्स यू आर स्पीकिंग ओके चलिए हाँ जी क्या है इसको बोल सकते हैं लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट का उल्टा होता है डिफिडेंट ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट वन बताइए Altruistic क्या होता है एल्ट इसका देखते रहना यार कहां कहां पर आए हैं ये देखो केवीएस पीजीटी 2030 केवीएस पीजीटी 2030 चलिए वो बोल रहा है देर वॉज नो एल्ट्रोइिक मोटिव दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प हर अब अच्छा एक चीज और ध्यान रख लेना यहां पर ये यह दिख रहा है आपको क्योंकि हम कई बार आंख मूंद लेते हैं कई बार आंख मूंद लेते हैं नीचे लिखा हुआ है फाइंड एंटोनिम ठीक है फाइंड एंटोनिम सो वॉट यू नीड टू डू इज टू टेल मी ऑफ दल्ट्रोस्टिक ऑल्ट्रोस्टिक एल्टर का मतलब होता है अदर तो एल्ट्रोस्टिक मोटिव का मतलब होता है वेन यू आर हेल्पिंग अदर पीपल ठीक है एल्ट्रोस्टिक मोटिव वेन यू आर हेल्पिंग अदर पीपल यू आर बेनिवलेंट यू आर गुड समेरेटन यू आर फिलेंथ्रोपिस्ट ठीक है यू आर हेल्पिंग अदर्स तो गाइज एक चीज याद रखना अगर एल्ट्रुइस्ट दूसरों की मदद करता है तो सेल्फिश किसी की मदद नहीं करता ये ध्यान रखना ठीक है अगर एल्ट्रुस्टिक का वो मोटिव होता है ही इज हेल्पिंग अदर्स ठीक है और अगर मैं बोलूं तो क्या हो सकता है डी फॉर डेली दैट इज सेल्फिश ओके सी नहीं इनह्यूमन तो फिर वो हो गया थोड़ा निर्दयी टाइप का है ना एक बंदा मदद करता है एक बंदा सेल्फिश है दैट इज वेरी इजी वे टू फाइंड इट चलिए आ जाइए और ये सारे इंटोनेम है अब ध्यान रखिएगा पीजीटी 2000 में आया हुआ इंटोनम दैट इज ऑस्पीशियस डू यू मीन बाय ऑस्पीशियस? देर आर लॉर्ड ऑफ ऑस्पीशियस डे कमिंग इन दी नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एंड देर आर लॉर्ड ऑफ मैरिज इज ठीक है देर आर लॉर्ड ऑफ ब्रूटल होता है बहुत ज्यादा निर्दयी एट्रोशियस ब्रूटल इज समथिंग विच इज एट्रोशियस विट इज यू नो लाइक दी सर सिनोनिम प्लीज सिनोनिम जिसके होते हैं यार बता देता हूं ऑस्पीशियस बहुत ही ज्यादा अगर देखो ऑल्ट्रोइ ऑल्ट्रोइ के सिनोनिम मैं कुछ हद तक बता देता हूं ऑल्ट्रोस जो होते हैं दैट इज बेनिवोलेंट कुछ हद तक ठीक है दैट इज समरिटन राइट एंड यू कैन से द फिलैंथ्रोपिस्ट ठीक है दीज आर बेसिकली दिनोन ऑफ दी नेक आदमी जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए बोला जा सकता है राइट right? ओके okay, तो फिर ऑस्पीशियस ओकेजन मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोपीशियस अगर मैं बोलूं ऑस्पीशियस कौन सी ओकेजन होती है गाइज बहुत ही ज्यादा प्रोपीशियस बहुत ही ज्यादा कॉन्जीनियल ठीक है और जिसको आप बोल सकते हो एक तरीके से अनुकूल हिंदी में क्या बोल सकते हो अनुकूल कहते हैं ना यह वाला मुहूर्त बिल्कुल सही है सो दैट इज दी वेरी वेरी ऑस्पीशियस ओकेजन ठीक है तो ऑस्पीशियस ओकेजन मतलब अगर मैं बोलूं तो इसका ऑपोजिट अगर आप देखोगे तो ऑपोजिट बनेगा ओमिनस ओमिनस क्या होता है गाइस समथिंग थ्रेटनिंग और अगर मैं बोलूं तो इसको बोल सकते हो बैड ओमेन ओमेन क्या होता है गाई साइन गुड ओमेन होता है बैड ओमेन होता है ओमेन, है ना गुड ओमेन शुभ अशुभ बोलते हैं ना तो ओमिनस होता है अशुभ ठीक है बिल्ली रास्ता काट गई ना भगवान कसम बस पूछिए मत क्या हो जाएगा जब तक कोई दूसरा ना निकल जाए तब तक हम हिलते नहीं है क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट लिया है और मानो कोई अगर पेपर देने जा रहा और बिल्ली रस्ता काट गई तो पूरे साल की मेहनत खराब क्योंकि बिल्ली ने रस्ता काट दिया आपका है ना तो जो आप पूरे साल पढ़े थे एकदम बिल्ली ने रस्ता काटा और दिमाग से उड़ जाएगा है ना तो ये जो ओमिनस होते हैं ना हमारे बैड ओमेन गुड ओमेन ठीक है ये हम बहुत फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में पंडित जी का बहुत बड़ा रोल रहता है और मेरी लाइफ में भी कुछ हद तक है ऑल दो आई ट्राई नॉट टू फॉलो ठीक है ना ऑल दो आई ट्राई नॉट टू फॉलो चलिए तो ओमिनस आएगा गाइज ओमिनस मतलब एनीथिंग विच इज थ्रेटनिंग है ना और कहीं ना कहीं मामला अगर बोलूं तो यहां पे गड़बड़ रहता है बैड ओमेन है ना बैड ओमेन गुड ओमेन ऐसे बोलते हैं दही खा के जाओगे तो नॉलेज और बढ़ जाएगी है ना अगर दही के जाओगे तो डबल माइंड हो जाएगा जो 50 परसेंट चलता है वो 80 परसेंट चलेगा है ना और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हो गई गड़बड़ ऑस्टियर लाइफ जीना मतलब बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ जीना ऑस्टियर लाइफ जीना मतलब बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ जीना ये ध्यान रखना ऑस्टियर मतलब दी इज लिविंग अ वेरी वेरी ऑस्टियर लाइफ ठीक है तो उसको बोल सकते हो कुछ हद तक सुपर स्टीशियस ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी बट ठीक है जो माने अच्छा जो नहीं माने वो बहुत अच्छा एक्सटेसी

ठीक है फोर श्योर sure. आपने जो इतने सालों कहानियां गाई है ना कि ये दिक्कत वो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होती इतनी सी भी ऑटा ऑफ दिक्कत नहीं होती लाइफ में बट यू नो वट यू नीड टू डू इज टू चेंज योर परसेप्शन ये जो माइंड है ना इसको कंट्रोल करिए थोड़ा सा आई विल बी एक्सटेटिक आई विल बी ब्लिसफुल आई विल बी यू नो एक्सल्टेड इलेटेड ठीक है और आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी आई एम रियली रियली एक्सटार्टिंग दैट यू गाइज आर सो मच इंटरेस्टेड इन यू नो इंग्लिश लैंग्वेज यू फोर एक चीज और ध्यान रखना वेन यू आर यू नो फाइंडिंग दी जैसे यहां पर मैं बोलू ब्लिसफुलनेस ठीक है एग्जल्टेड होना इलेटेड होना ये इस सब इसके लिए बोले जा सकते हैं एंड द ऑपोजिट इज एग्नी ऑपोजिट क्या है एग्नी एग्नी मतलब ट्रिबुलेशन पीड़ा ट्रवेल्स ट्रिबुलेशन टाइम नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं करा आपने यू हैव टू सी द ट्रिबुलेशन टाइम इन योर लाइफ ठीक है देखो किसी ने बोला नींद आ रही है अगर उसको 9 बजे भी नींद आ रही है तो फिर भ्रष्टाचार तो फैला हुआ है ना बुरी तरह है. नौ बजे नींद लाके दस बजे गवर्नमेंट से नौकरी मांगेंगे फिर जिसको नौ बजे नींद आ रही है वो दस बजे नौकरी मांगेगा उठ के कि गवर्नमेंट नौकरी क्यों नहीं दे रही मुझे है ना तो यही प्रॉब्लम है वी डोंट वांट टू सी दी ट्रिपलेशन टाइम वी डोंट वांट टू सी दी एग्नी वी वांट टू सी द रिजल्ट ओनली गाइस इट इज कंप्लीटली यू नो लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज ठीक है बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो ठीक है ध्यान रखना बस मेरी सबसे फेवरेट कहावत है ये बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होना है और सबके साथ होना है नो डाउट अबाउट इट ठीक है अब आप गुड़ डालो नहीं मीठा आपको चाहिए चलिए तो यहां पर एग्नि आ जाएगा गाइस फोर्टीन नंबर लगाते आंसर देखते हैं फोर्टीन क्या है <coughs> चलिए फोर्टीन नंबर एक्जोनरेट का ऑपोजिट बता दीजिए व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ एक्जोनरेट व्हाट इज दरेशन होता है गाइस अगर मैं बोलूं तो आई टुक थ्री प्लांज इन टू गंगा एंड एक्जोनरेटेड माई सेल्फ ठीक है आई टुक थ्री लाइक प्लांज इन टू गंगा देखो एक हिंदू धर्म में क्या औरों में भी अपने अपना हिसाब होते हैं टेक थ्री प्लंज इन टू गंगा ठीक है एन एग्जोनरेट योर सेल्फ है ना गंगा जी में तीन डुबकी लेने से आपके जिंदगी भर के पाप से क्या हो जाती है मुक्ति है ना और हरेक हरेक धर्म में अपने अपने तरीके से है निन कौम, अगर मैं बोलू योम की होता है क्रिश्चियनिटी में जिसमें पानी में डुबो डुबो के पापों को निकाला जाता है ना So, अपने अपने धर्म में अपने अपने तरीके से पापों की मुक्ति मेरे को यह समझ नहीं आता कि कोई ये क्यों नहीं कहता यार पाप मत करो धोने का इंतजाम रखा हुआ है पाप ना करने का कोई इंतजाम नहीं है कह रहे कर लो गंगा जी है कर लो डुबकियां लगवा देंगे है ना सो पीपल यू नो आई डोंट नो वाई डू दे कमिट दीज काइंड ऑफ स्टफ ठीक तो अगर मैं बोलू आई टूक थ्री प्लान इन गंगा एंड एक्जोनरेटेड माइसेल गंगा जी में तीन डुबकी लेके मैंने अपने आप को पापों से मुक्ति कर ली ठीक है प्योरिफिकेशन कर लिया और अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं एक्विट करना और एब्सॉल्व करना एक्विट करना और एब्सॉल्व करना राइट एबडिकेट सिनोनिम नहीं है इसका इसका सिनोनिम एबडिकेट नहीं है गाइस ध्यान रखिएगा सो so, अगर मैं बोलूं यहां यहां पर एग्जोनरेशन का मतलब होता है When you are acquitting yourself, when you are basically absolving yourself from the, uh, like the, you can say the, you know, sins or your pap or your, you know, the Christianity says पाप मत करो तो बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूँ अगर कहते हैं जो भी कहते होंगे देखो I am not so much of ज्ञाता of you know the these पाप तो सभी कहते हैं मत करो बट धोने का भी इंतजाम सभी रखते हैं। चलिए तो यहां पर ऑपोजिट आएगा accuse ऑपोजिट क्या आ रहा है गाइज इसमें एक्यूज यानी एक में पाप से मुक्ति मिल रहा है एंड दी अदर वन इज यू नो एक्यूजिंग सम वन चलिए नेक्स्ट वन इज फ्रूगल टीजीटी 2004 टी 2004 क्या है 2004 थाउजेंड चलिए अगर मैं बोलूं वो कह रहा है फ्रूगल वी ऑल आर फ्रूगल इन आर स्पेंडिंग्स वी ऑल आर थ्रिफ्टी ये बहुत फेमस वर्ड है स्पैरिंग ठीक है एपस्टैमियस इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल ठीक है अगर मैं बोलू इफ समवन इज भाई मुझे नहीं पता मैं किस एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं सही बोलूं तो लोग जब आइए पूछते हैं मैं किस एग्जाम की मैं कहता हूं मैं इंग्लिश की तैयारी करा रहा हूं इसके बाद बैठ किसी भी एग्जाम में जाना यू वोंट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम द मूव द आफ्टर टेकिंग माई सेशन गो एंड सिट फॉर एनी एग्जाम बट ये सी टेट के लिए हो तो थोड़ा रीडिंग साथ में जरूर करना बट सिट फॉर एनी एग्जाम यू विल गेट रीड ऑफ योर प्रॉब्लम सो गाइज फ्रूगल इज दी वन हु डज नॉट स्पेंड मच वेरी वेरी केयरफुल इन स्पेंडिंग्स

So, मैं अगर बात करूं फ्रूगल होते हैं गाइज does नॉट स्पेंड टू मच इट मीन्स वेरी वेरी केयरफुल इन स्पेंडिंग ठीक है वेरी वेरी केयरफुल इन स्पेंडिंग एंड lavish one वन इज you यू know, नो are यू नो लिविंग अ lavish लाइफ तो ऑपोजिट क्या आएगा गाइज Lavish. स्कोर चेक करते रहना कितना स्कोर आ रहा है स्कोर चेक करते रहना आई वुड सजेस्ट एवरी वॉन टू चेक योर स्कोर स्पेंड थ्रू नोज नहीं होता पे थ्रू नोज होता है ठीक है अगर ईडीएम जो है ईडियम है इंग्लिश में पेइंग थ्रू नोज पेइंग थ्रू नोज का मतलब होता है व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर कैश फुलिशली ठीक है व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर कैश फुलिशली ये ध्यान रखना मेकिंग डक्स एंड ड्रेक्स वेरी नाइस यार वी हैव चैंपियंस इन दिस यू नो लाइक दी

चलिए अगर मैं बोलूं तो गाइज इफ समन इज मेकिंग डक्स एंड ड्रेक्स पेइंग थ्रू नोज दैट पर्सन इज यू नो स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड टू एन एक्सटेंड स्पेंडिंग फुलिशली ठीक है चलिए अब देखिए कॉन्सेंट होता है यू आर गिविंग योर अग्रीमेंट यू आर गिविंग योर एसेंट कॉन्सेंट का मतलब यू आर गिविंग योर अग्रीमेंट यू आर गिविंग योर एसेंट यू आर गिविंग योर अवाउवल ठीक है और अगर आप थोड़ा सा अगर नाराज होकर अपना एक्विसेंस देते हैं तो गाइज एक्विसेंस का मतलब होता है यू वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू अग्री बट टू एन एक्सटेंड यू अग्री है ना एक्विसेंस का मतलब होता है जैसे पिताजी ने बोला बेटा ये काम कर दो एंड यू वॉज नॉट इंटरेस्टेड बट पिताजी ने बोला है तो आपने बोला ठीक है कर दूंगा तो यू गेव योर एक्विसेंस

और मैं नहीं कह रहा दैट टेन पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लाइफ बट कुछ हद तक मुझे लगता है कि दे हैव डिफरेंट माइंडसेट और मुझे नहीं पता लगता कई बार मेरे को लगता है इफ आई आउट ऑफ नाइनटी पीपल इन माई लाइफ आई एम दी बेस्ट वन ओके बिकॉज दस लोगों को तो भगवान भी आके सेफाई नहीं कर पाया कई लोगों का लाइफ ही बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है ना वो फ्रस्ट्रेशन जहां भी जाते हैं फैलाते हैं ठीक है ना देर आर सम पीपल हुटेड इन देयर लाइफ मेरा पर्सनल लाइफ का फ्रस्ट्रेशन आई नेवर शो इट टू दी और आई एम नॉट सेइंग आई डोंट सी फील फ्रस्ट्रेशन एवरी वन फील चलिए तो डेट मैं बर्दाश्त कर लेता हूं इफ यू डिस टू माय पॉइंट आई एम रियली एबल टू डाइजेस्ट दोमेंट ये ऑपोजिट चल रहे हैं ध्यान रखना कोई सिनोनेम्स में मत लिख लेना इनको प्लीज 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 सिनोनेम्स में मत लिख लेना वॉट यू हैव रिफ रिटर्न आफ्टर एसेंट एसेंट के सिनोनेम जो थे वो थे अवाउवल आई डोंट नीड एनी बडी इज एवाउवल ए वी ओ डब्ल्यू ए एल एवाउवल ठीक है और यू कैन से एज दी एक्वीसेंस स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो देख लेना बहुत ही लंबी स्पेलिंग है एक्वीसेंस वैसे पेन जो है वह स्पेलिंग गलत देता नहीं है अच्छा कई लोग कह रहे हैं थ्योरी क्लास थ्योरी के लिए तो फिर अब क्या बताएं हम थ्योरी में क्या रखा है बताइए थ्योरी में क्या करोगे पढ़ के थ्योरी थ्योरी कुछ होती ही नहीं मेरे को तो लगता ही नहीं कुछ थ्योरी नाम की चीज होती है सीधा प्रैक्टिकल चलिए इनएविटेबल इंग्लिश इज इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ इंग्लिश हैज बिकम इन एविटेबल इनडिस्पेंसेबल ठीक है और यू कैन से दी इन अलेक्टेबल इन अलैक्टेबल ठीक है इट इज समथिंग विच नॉट बी विच नॉट बी यू नो लाइक आई वुड से अवॉइडेड फर्दर इंग्लिश इज इन एविटेबल डेथ इज इन एविटेबल नॉट इवन माइटेस्ट कैन एस्केप डेथ ठीक है ना उसने बोला ना ओ डेथ वेयर इज दाई हैंड्स ठीक है uh, तो अगर मैं बोलू Death is also inevitable, which is un, unavoidable. So opposite is opposite is uncertain. Okay? It means inevitable means which is going to happen. It is something which is unavoidable or going to happen. You can say that. And the opposite will be unavoidable. Opposite will be. सॉरी सीनॉन तो है अनेबल बट दी ऑपोजिट विल बी अनसर्टेन ठीक है ऑपोजिट क्या होगा गाइस अनसर्टेन इमिनेंट इसका आंसर नहीं होगा गाइस इमिनेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना इमिनेंट इसका आंसर नहीं होगा मीनिंग ऑफ इटेबल इटेबल का क्या मीनिंग होता है यार इटेबल मतलब खाने वाली चीज है ना इटेबल्स इटेबल्स आर नॉट अलाउड चलिए बैलीजरेंट अब देखो मैं आपको कितनी बार बैलीजरेंट पढ़ाया है लेकिन 2009 में ये पहले ही आ चुका है मैं नहीं लाया 2009 में ठीक है तो इन 2009 थाउजेंड नाइन इट वॉज देयर इन पीजीटी बेल का मतलब द वन हु इज रेडी टू फाइट बेल मतलब वन इज ऑलवेज रेडी टू फाइट तो बेल का मतलब फाइट बैलीजरेंट के सिनोनेम बता दीजिए बैलिजोरेंट बालिकोस कंटेंक्रस पग्नेशियस ये सारे लोग लड़ने को तैयार रहते हैं गाइस और ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं ठीक है ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं लेकिन अगर सिर्फ महिलाएं हैं जो लड़ने को तैयार रहें है ना आई एम नॉट से दी वेमेन कीप ऑन फाइटिंग डोंट टेक इट अदरवाइज है ना फेमनिज्म का जमाना है प्लीज यू नो डू नॉट कॉल नेम्स है ना कहीं आप मुझे शुरू कर दो गालियां देना अब्यूज करना नहीं मतलब कहने का मतलब ये है प्लीज डू नॉट यूज बैड वर्ड फॉर मी है ना तो अगर वेमेन है लड़ने को तैयार जो कि मैंने देखा है होती हैं कई बार विरागो कहलाती हैं टर्मागेंट कहलाती हैं ठीक है ये कहलाती हैं आपका अगर मैं बोलूं तो हैरिडन और ये कहलाती हैं श्रू लेकिन ये सिर्फ वेमेन है जो हमेशा लड़ने को तैयार रहती है इफ द वेमेन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट इफ अब नहीं स्टार प्लस लेडी तो विकसेन होती हैं जो स्टार प्लस लेडी होती है ना जो भयानक होती है बजाज की जो वाइफ है या बजाज की जो रेलेटिव हैं ऐसे ऐसे विक्सन आइडियाज होते हैं अगर विकसन आइडियाज तो नहीं बोलूंगा बट दे आर एक्चुअली विक्सन वी आई एक्स एन विक्सन इज कॉल्ड बेसिकली अगर मैं बोलू तो क्या है अगर बोलू तो विक्सन होता है गाइज दी चलाक लोमड़ी कनिंग है ना उसको बोलते हैं और गाइज अगर मैं बोलू विरागो हेरिडन टर्मागेंड श्रू मैंने एक पहले भी डायलॉग बोला था कि जैसे लड़ाई हो गई वाइफ से यस कमोलिका ये सही है रंजना अपने सही पकड़े हैं है ना कमोलिका बड़ी भयानक लेडी थी वो एक टाइम पे आतंक मचा रखा था उसने स्टार प्लस पे कमोलिका है ना एंड शी बिकेम यू नो दॉट ऑफ यू नो फीमेल वर स्टार्टेड एम्यूलेटिंग दैट लेडी बहुत सी लेडीज ने तो उनको कॉपी करना शुरू कर दिया था कमोलिका वाले कैरेक्टर को है ना सो so, अब मैंने बोला यार यू आर सच आ श्रू मेड हुई लाइफ मिजरेबल हु हु यू आर सच अ मेड हुई लाइफ मिजरेबल वॉट इज दजिस्टरिंग ऑन ऐप भाई अच्छा कोई मुझे बोल रहा था थ्योरी तो भाई थ्योरी मैं पेड कोर्स में ही कराता हूं दिस इज बिटर ट्रूथ है ना अब इसमें कोई दो राय नहीं है कुछ तो पेड कोर्स का डिफरेंस रखने दो यार है ना आ, चलो अगर मैं बोलू विरेगो हैरिडन टर्मागैंड श्रू इसका मतलब होता है जैसे वाइफ से फाइट हो रही है तो क्या बोलेंगे यू आर सच आ श्रू हु मेड माई लाइफ मिजरेबल आई होप शी इज नॉट वॉचिंग चलिए बैलिजरेंट होता है लड़ने को तैयार दी ऑपोजिट इज द पीसफुल वन ऑपोजिट इज पीसफुल वन चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं गाइज एजाइल बहुत प्यारा वर्ड है गाइज बहुत ही प्यारा वर्ड है नहीं नहीं मैंने कोई सीरियल वीरियल नहीं देखा बट दैट लेडी बिकेम यू नो द वेरी वेरी फेमस ठीक है तो वो लेडी बहुत फेमस हो गई थी मैं क्या करूं कोमोलिका तो यू नो वाज़ अ हाउस होल्ड नेम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चलिए एजाइल होते हैं गाइज बहुत ही ज्यादा फुर्तीले एजाइल निम्बल ठीक है यू कैन कॉल इट एज स्प्राई ठीक है एज ऑफ यू नो सिक्स अक्षय कुमार is looking very, very spry. बहुत बहुत निम्बल है है ना एजाइल निम्बल उस तब को आप बोल सकते हो ठीक है एजाइल हो गया बहुत बहुत फुर्तीले टाइप में बोलते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं उसको बोल सकते हैं ऑपोजिट क्या होगा गाइस थोड़ा सा मैं लगा सकता हूं इसको आप बोलू तो क्या हार्ड लगा दू हार्ड लगेगा शायद या स्लो लगेगा इसका आंसर मेरे ख्याल से स्लो लगता है गाइज हार्ड तो फिर अलग चीज में आ जाता है एजाइल होता है बहुत एक्सपर्ट बहुत फुर्तीला टाइप में है ना सो so, उसको स्विफ्ट भी बोल सकते हैं यस गाइज स्विफ्ट बोल सकते हैं मैं इसको यार ये लगाऊंगा स्लो बाकी एक बार मैं एग्जेक्ट आंसर आई नीड टू चेक ठीक है लाइद लाइद बोल सकते हो लाइद थोड़ा फ्लेक्सिबल में आता है लाइड हो गया प्लाइबल हो गया ठीक है लिंबर हो गया ये थोड़े फ्लेक्सिबल में आ जाते हैं ठीक एजाइल निम्बल स्प्राय, ये थोड़ा सा वैसे बोल सकते चलिए यार नेक्स्ट आ जाइए ट्वेंटी क्या बचा है मेलाइनिंग मैल तो बैड ही होता है यार कुछ मैल का मतलब क्या होता है गाइस बैड ठीक है सो यू आर मेलाइनिंग माय इमेज बाय स्प्रेडिंग वर्ड्स अबाउट मी है ना मैं अभी पढ़ रहा था ठीक है ना दस कमेंट लिखे कि जो आपने पढ़ाया वही आया दो कमेंट ऐसे आए इस वीडियो में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया अब मैंने कहा यार दो पे यकीन मानू दस पे मानू फिर आई कॉन्टेक्ट टू ऑल दी पीपल हु यू नो वर इन अ पर्सनल कॉन्टेक्ट तो पता लगा कि यार यू नो सम पीपल आर ट्राइंग टू मिलाइन द इमेज ऑफ अध्ययन मंत्रा बाय स्प्रेडिंग यू नो वर्ड्स अबाउट इट तो कहीं ना कहीं जो है कुछ होते हैं गाइस लोग आपके बारे में द मूवमेंट अगर देखिए इंग्लिश में बोला जाता है ना इफ यू आर प्रोग्रेसिंग बी रेडी टू फेस द क्रिटिसिज्म है ना द ओनली ओनली टाइम यू विल नॉट बी क्रिटिसाइज इफ यू आर डूइंग नथिंग इफ यू आर सेइंग नथिंग और इफ यू हैव नथिंग अगर आप कुछ कह रहे हैं तो भी क्रिटिसिज्म होगा कुछ कर रहे हैं तो भी होगा कुछ रखते हैं तो भी होगा राइट right? ये ध्यान रखिएगा चलिए ग्रामर तो आएगी ग्रामर तो आएगी अब बस आज मुझे लगता है इतना ही करना चाहिए गाइस बीस वर्ड थे मेलाइनिंग दी इमेज मतलब होता है किसी की इमेज को स्पॉइल करना अब इसके वर्ड बड़े प्यारे हैं गाइस स्लेंडर करना बहुत ही प्यारा है स्लेंडर करना ब्लैक एंड इमेज ब्लैक एंड इमेज टार्निशिंग दी इमेज पेंट करना ठीक है और बहुत वर्ड यूज होते हैं गाइज वेन यू आर मेलाइनिंग द इमेज ऑफ समवन इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू डिमीन सम वन यू आर ट्राइंग टू बेसिकली ठीक है ना यू आर ट्राइंग टू बेसिकली मैं बार बार बोल चुका हूं गाइस बी रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म पीपल विद डू नॉट वेस्ट टाइम टू क्रिटिसाइज दो पीपल वू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं अगर लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना जिंदगी सबसे बकवास लाइफ चल रही है आपकी लाइफ सबसे बकवास है अगर पीपल आर नॉट क्रिटिसाइजिंग यू पीपल आर नॉट जेलस ऑफ यू पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टू यू इट मीन्स यू आर सिंपली वेस्टिंग योर लाइफ बिकॉज पीपल यू नो आर जेलेस ऑफ ओनली दोज पीपल हुई समथिंग हू हैव समिंग से समिंग ओके सो क्रिटिसिजम इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ जा जाके बोलो लोगों से मुझे क्रिटिसाइज कर भाई मुझे अच्छा लगता है ठीक है ना विलिफाई भी, भी, भी चल सकता है यह ध्यान रखना तो यहां पर गाइड डिस्पैरेज भी इसका ऑपोजिट में लगाऊंगा प्रेस यह ध्यान रखना मैं लाइनिंग दी इमेज के बाद ऑपोजिट लगाएंगे प्रेज डिफेम करना ड्रेस डाउन करना ठीक है ये ध्यान रखना ठीक है गाइस मेरे पास और भी क्वेश्चन थे लेकिन मुझे लगता है दिस इज एनफ टाइम आई कैन नॉट टेक मोर टाइम एक लास्ट बता दीजिए पैरसीमोनियस फिर ये चार क्वेश्चन ग्रामर के थे लेकिन आज हम इसको नहीं करेंगे विल विल बी डूइंग इन नेक्स्ट सेशन है ना अदरवाइज सेशन विल एक्सटेंड टू अनदर हाफ एन आवर सो दैट इज नॉट द राइट आइडिया ठीक है चलिए इंटोनेम ऑफ पैरसीमोनियस पैरसीमोनियस क्या होता है गाइस टिंजी ठीक है और अगर मैं बात करूं तो स्क्रूच क्लोज फिस्टेड निगार्ड पैनी पिंचर पैनी पिंचर दो मिनट दो मिनट बस पैनी पिंचर राइट पैनी पिंचर और बहुत वर्ड होते हैं गाइस है ना और बहुत होते हैं, स्क्रूच, पैनी ठीक है और अगर मैं बात करूं तो यार एन नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो पैरसीमोनियस के लिए आप बोल सकते हो ठीक है तो ऑपोजिट जो होगा इसका मैं लगाऊंगा प्रोडिगल यानी जो बहुत खर्चते हैं ठीक है ऑपोजिट क्या लगाऊंगा प्रोडिगल जो बहुत खर्चते हैं ठीक तो आज जो है व्हाट्स रॉन्ग विद एंट्रेंस विजार्ड यार न, आ, क्या नाम है निधि अगर मैं बात करूं एंट्रेंस विजार्ड पे ना कुछ अभी क्लासेस दूसरी चल रही थी तो इस वजह से वहां पे एक स्केड्यूल नहीं बन पा रहा था राइट तो वेरी सून विल बी मेकिंग अ स्केड्यूल ऑन एंट्रेंस विजार्ड एज वेल सो देर आर सम मैराथन एंड अदर स्टफ वॉज गोइंग ऑन सो दैट द रीजन वाई देर वॉज नो प्लानिंग फॉर दैट पर्टिकुलर क्लासेस so probably from the next week you will start seeing the classes on entrance wizard as well from my side okay chaliye this is all from my side i hope you have learned some new words i have told you how to use them i have shared my experience with all of you i have shared all the related words with all of you or i hope that you know this is gonna help you out in your entire life and 2021 is going to be a makeover of your life and is gonna have the metamorphism of your life. Okay, just keep supporting us, keep on learning new things. Okay, I hope you might have scored 15 16 out of this, and that is a very good score for you guys. Okay, Chalye, thank you so much. This is all from my side. Bye bye, guys. ग्रामर कर लेंगे ग्रामर की कोई चिंता नहीं यही तो दिक्कत है वो कैब से लगाव ही तो नहीं है बस जिस दिन वो कैबलरी से प्यार हुआ तो बाकी सारी दुनिया भूल जाओगे दैट इज ट्रू चले गाइस दिस सॉरी ओके राइट आफ्टर दिस वी हैव द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स एनी बडी हु पार्ट ऑफ दैट क्लास कैन स्टे और ठीक है दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू So much for keep on sir. My daughter is studying being she's what is the process to take admission in TGT English? There is very simple process. You just go to app and take admission. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye, guys.